क्या मेरी आवाज़ आ रही है? मैं ऑडिबल एंड विजिबल। आज आप सभी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, नहीं? यस एंड गुड इवनिंग। आज अभी आप सभी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पता है क्या हुआ है? एक्चुअली बहुत सारे बच्चे ये सोचे होंगे कि सर आज तो क्लास है नहीं, राइट? और माय डियर फ्रेंड्स, राइट, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक SSM सर यूट्यूब पर आता रहेगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, राइट, कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक SSM सर यूट्यूब पे लगातार आते रहेंगे, भले ही एक घंटे नहीं, 45 मिनट नहीं, 30 मिनट सही, 15 मिनट ही सही, लेकिन आएंगे ज़रूर। तो आज का सेशन में आप सभी का स्वागत है। सभी लोग सेशंस को लाइक करिए, शेयर करिए। और मुझे बहुत प्यार अच्छा लग रहा है कि ये जो बच्चों की जो भीड़ है, ये जो बच्चों की जो आने की जो तादाद है क्लास में, राइट, रियली आई एम वेरी हैप्पी, राइट। एक्चुअली बहुत समय के बाद कुछ लोग हैं जो शुभचिंतक लोग हैं। आज मेरी उनसे बात होने के चक्कर में क्लास को ही शेड्यूल करना भूल गया था, जिसके वजह से आज हमारी आपसे मुलाकात हो पा रही है, ठीक है। चलिए भाई, आज मैं आपसे बहुत ही धमाकेदार टाइप का क्वेश्चंस पूछूंगा, राइट, है ना? अगर आप उस क्वेश्चंस का आंसर दे देते तो समझिए कल की क्लासेस हम रिवीजन करके आए, आज सॉरी कल नहीं अटेंड कर पाई, राइट, है ना? जब तक वेरी गुड, जय हिंद जय हिंद। सभी लोग सेशंस को एक बार लाइक कर दो, एक बार सेशंस को लाइक कर दो। ये जितने भी अनअकैडमी के प्लस स्टूडेंट्स, राइट, 373 प्लस बच्चों का सिलेक्शन, राइट, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24, 36 मंथ, राइट, अब आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, स्कूल को यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस को आरंभ बैचेज, लक्ष्य बैचेज, 2 बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, राइट, है, अनअकैडमी पे आप ज्वाइन कर सकते हैं बाई यूजिंग माई रेफरल कोड SKS10, राइट, है ना? बाई यूजिंग माई रेफरल कोड SKS10। मेरी बात को सबको समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है सर, राइट, है ना? कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, राइट, है ना? कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, याद है या नहीं, राइट? कल मैंने आपको यही वाली चीज़ें कॉन्सेप्ट कराया था ना, यही मैंने टोटल डिजिट्स वाला कॉन्सेप्ट कराया था ना, यही वाला कॉन्सेप्ट कराया था ना। क्या कल हमारी क्लास इसी चीज़ की हुई थी? इसी चीज़ की हमारी क्लासेस हुई थी क्या? कल हमारी इसी चीज़ की क्लास हुई थी? सभी लोग देखो, इतने सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं, लेकिन सेशंस को अभी तक किसी ने भी लाइक नहीं किया, राइट, सेशन को अभी तक किसी ने भी लाइक नहीं किया। इसलिए सेशंस को लाइक करें, शेयर करें, राइट, है ना? सभी लोग सेशंस को लाइक करो और शेयर करो, राइट। कल मैंने आपके सामने होमवर्क भी दिया था, राइट, ये मैंने आपके सामने होमवर्क दिया था होमवर्क। एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं मेरे प्यारे बच्चे, राइट, है ना? ये तो इरेज भी नहीं कर सकते, राइट, इरेज भी नहीं। 1 to 900 तक मुझे बताओ टोटल कितना होगा। 1 to 9 इसका होगा आपका, इसका होगा टोटल आंसर 305 201 4 104 + 1 105 × 3 315। इसका होगा आपका 315 digits। आंसर मैच करो, सभी लोग आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट देते रहो, सभी लोग आंसर मैच कीजिए, उसके बाद न्यू कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। इसका होगा आपका 3 digits का है, राइट, है ना? 903 - 105, तो ये आपका हो गया 9, ये हो गया आपका 8 में 7, राइट 798 हो गया +1, तो 799 × 3 3 digits का है, तो 9 3 जा 2397, राइट, 105 से 903 तक 2397 digits होगा, 2397 digits होगा। सबने आंसर चेक किया हो? आंसर आपने चेक किया है कि नहीं किया? आंसर चेक किया है कि नहीं किया है, राइट? आंसर चेक किया है कि नहीं किया है, राइट, है ना? आंसर चेक किया है कि नहीं किया है, राइट, है ना? 500 से 1500 तक, तो पहले आप क्या करो, इसमें पहले 500 से लेकर के 999 तक चेक करो, 999 तक, तो ये कितना आएगा? 499 + 1 500 × 3 digits है, तो टोटल कितना आएगा आपका? 1500 आएगा। कितना आएगा आपका? 1500 digits। क्लियर? बात समझ में आ रही है? यस या नो? तो ये हमने अभी तक 999 तक का किया, 9999 तक का किया। अब हमें 1000 से करना है। कहाँ तक करना है? 1500 तक का करना है। तो 1500 - 1000 500 + 1 501, सो योर 501 × 4, राइट, सो 4 0
4054 जा 20 राइट ओके सो 405 एंड 2 प्लस 1 3 3504 राइट 3504 सो योर आंसर विल बी 2 3 2 3 एंड 4 राइट 2 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर ओके सभी लोग आराम से सर 312 आएगा किसका 312 आएगा किसका आएगा 312 राइट राइट और 1 से लेकर के 1500 तक का बताओ तो 1 से लेकर के 1500 तक का तो यहाँ तक आपको पता है कि सर 1 से लेकर के 999 तक 2889 होगा अब 1000 से लेकर के 1500 तक अगर आप चेक करोगे इसका तो कितना है 2004 ये 9384893 कितना आएगा आपका 4893 क्या ये आंसर मैच करो सबका ये आंसर मैच है कल वाले क्वेश्चंस का ये आंसर है ठीक है ज्योति रानी यस या नो अगर समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में खटाखट एसके स्टैंड कोड टाइप करो वरना नहीं आ रही है तो एसपी सा कोड को ठोको कमेंट सेक्शन में राइट क्योंकि आज का सेशन और कल वाला सेशन को मिला करके आपका पीडीएफ होगा वो आपको क्लास में मिल जाएगा राइट है ना वो आपको मिल जाएगा राइट सभी लोग सेशंस को लाइक करें शेयर करें राइट 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 शशि भूषण एवरीथिंग इज फाइन शशि भूषण फ्रॉम विच प्लेस यू आर अजीत पटेल दीपक श्रीकांत खरावर वेरी गुड पूनम मौरा खुशी नीतू दास अनमोल शर्मा वेरी गुड खुशबू बेटा आपको समझ में नहीं आ रही है सृष्टि सिंह नेहा जेके फाउंडेशन खुशी वेरी गुड सोना सांध्या दीपक आशीष वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड यू आर फ्रॉम वेरी गुड चलो ठीक है अब देखो भाई आज का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कुछ मैं आपको थॉट प्रोसेस दे रहा हूँ जिसको आप यूज करोगे तो शायद आप आंसर बहुत ही जल्दी फाइंड कर लोगे 1 से लेकर के 9 तक 9 digits 1 से लेकर के 99 तक 189 digits 1 से लेकर के 999 तक 889 digits 1 से लेकर के 4 times 9 तक 39 digits एक बार आप इसको ध्यान से देखो इस वाले सेक्शन को आप ध्यान से देखो कुछ पैटर्न बन रहा है राइट कुछ पैटर्न बन रहा है अगर यूपीएससी मुझे अगर क्वेश्चंस बनाने का ठेका दे दे राइट ज़्यादा नहीं एक क्वेश्चन के ऊपर केवल और केवल मात्र एक लाख रुपए लूँगा राइट है ना तो इसको अगर मैं रीजनिंग में भी यूज करूँ राइट और अगर आपको दो दे नेक्स्ट दे दे कि 1 से लेकर के 5 नेक्स्ट बताओ क्या होगा तो इस कॉन्सेप्ट को अपन रीजनिंग में भी यूज कर सकते हैं इसको नोट डाउन करो राइट सेशंस को सभी लोग लाइक कर देना राइट टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना टेलीग्राम का लिंक आपको पता है ना आज की क्लास की पीडीएफ आपको डस्ट टेलीग्राम में मिल जाएगा राइट है ना टेलीग्राम का लिंक है सीसैट बाय संजय कुमार शाह सीसैट बाय संजय कुमार शाह दिस इज आवर टेलीग्राम लिंक दिस इज माय टेलीग्राम लिंक ओके देखो भाई 300 प्लस बच्चे लाइव हैं लेकिन लाइक अभी तक 151 बच्चे नहीं किया है ये कहाँ का मेरे साथ इंसाफ है सभी लोग एक बार लाइक बटन पे एक बार क्लिक कर दीजिए लाइक बटन पे क्लिक कर दिए एक बार से अच्छा चलिए आज मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ पहले चलिए आज मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ चलिए सभी लोग लाइक कर ही दिया आखिर लग रहा है नहीं किया लाइक अभी तक ना अच्छा एक बात बताओ अभी इसको बताता हूँ ये क्या चीज़ है राइट है ना आज आपका क्लास तो शेड्यूल नहीं था राइट आज आपकी क्लास तो शेड्यूल नहीं था तो आपने क्या सोचा था
राइट, आपको क्या ऐसा रियलाइज हुआ था, क्या आपको ऐसा रियलाइज हुआ था कि विल टूडे बी क्लास और नॉट, राइट, विल बी क्लास और नॉट, क्या आपको क्या अंडरस्टैंडिंग आया था, क्या समझ में आया था? सेशन को सब लाइक शेयर कर देना। पूजा, बैकग्राउंड क्या है बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो। प्रदीप, फ्यूचर है ध्यान दो, राइट, तुम ये अपना ध्यान पूजा से मत पूछो, राइट है, नहीं तो पूजा बना देगी तुमको धूजा, अपना सैंडल उठा के तुमको इतना पीटेगी, इतना पीटेगी, इतना तुमको लतियाएगी कि तुम धूजा कहना तुम भूल जाओगे, पूजा को पूजा कहना भूल जाओगे, राइट। चुपचाप क्लास पे ध्यान, सर क्लास होगी, आपने बोला था कि शायद क्लास ना हो, वेरी गुड श्रेया ने जी, ऐसा हो रहा था कि क्लास नहीं होगी, सर आप पर विश्वास था मुझे कि आज क्लास होगा, सर आज क्लास होगी, यही सर कि आप लोगे क्लास, अनमोल शर्मा, सर कहाँ है, यही क्लास होगी, दैट्स यू विल बी टेकिंग क्लास एनी वे, आप डेली आते हो इसलिए, सर वी आर ट्रस्टिंग ऑन यू, सर आप उन स्टूडेंट्स के गॉड फादर हो जो फार्मर्स फैमिली से हैं जिनके फादर नहीं हैं, राइट, ओके, मुझे पता था क्लास होगी बिकॉज आप लेट आते हो, रितु माधव कह रही है, सर लेक्चर इंग्लिश या हिंदी, आयु टैंक बोल रहा है, प्रांचली बोल रहा है मुझे नींद आ रहा था लेकिन क्लास स्टार्ट हो गया, नींद को खोदना पड़ा, अरे भाई ऐसे सफलता नहीं मिलेगी जब तक नींद को नहीं त्यागोगे, राइट, है ना। पता है मैं आपको आज मैं एक अपनी बात बता रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाऊँगा, थोड़ा रुक जाओ, है ना, पढ़ाऊँगा आपको, स्पेशल क्लास तो कुछ नहीं है, बस इसी को लंबे क्लास बताऊँगा। जब मैं तैयारी करता था ना, जब मैं तैयारी करता था, जिस टाइम मैं पढ़ा करता था, राइट, चलो अब नहीं हो पाया सिलेक्शन तो कोई नहीं, हो जाता है, राइट, नहीं हो पाया तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन आज बड़ी खुशी होती है कि चलो आज बहुत सारे लड़के हैं जो कोई IAS हैं, कोई IPS हैं, कोई IRS हैं, कोई STM है, कोई DSP है, कोई SP है, आई एम रियली वेरी हैप्पी, राइट। लेकिन जब मैं पढ़ा करता था उस टाइम पता क्या है कि सोने के बाद जो है ना, जब मैं उठता था, राइट, है ना, तो मुझे अलग लेवल की मुझे हैप्पी होता था, क्या, अरे यार चलो यार आज बुक पढ़ना है, मान लो कि मेरे पास ये बुक है, बुक का झंड कहाँ गया, बुक का बुक 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 सब दिखाओ, मान लो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है घटना चक्र, दिख रहा है, आप सभी पता है, आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये घटना चक्र दिख रहा है आपसे, राइट। तो पर बहुत खुशी होती थी कि चलो भाई आज जो है ना, आज इसके 5 टॉपिक्स को फिनिश करना है, आज ये पढ़ना है, द प्रियम्बल गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत मज़ा आता था, राइट, है ना, अच्छे तरीके। मैं सबसे पहले, अगर मैं आपके लेवल का था तो मैं जब सो के उठता था, राइट, तो मैं पहले क्या करता था, मैं पहले सिलेबस को देखता था, क्या देखता था, सिलेबस को, वो भी सिलेबस कौन सा देखता था, मेंस का देखता था, राइट, फिर आपका हो गया तो आपको मैं प्री का देख लेता था, हालांकि चलो मेंस हो गया तो प्री तो कवर हो जाता था, राइट, उसके बाद था जो भी मुझे पढ़ना होता था, व्हाट टू स्टडी टुडे, राइट, देन मैं फोकस करता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पर, किस पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पर फोकस करता था कि चलो भाई आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, राइट, है ना, और इस टॉपिक से चलो भाई आज हमें ये पढ़ना है, ये सिलेबस है, आखिर इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्री का हो और मेंस का हो, किस किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया है, ताकि मेरे दिमाग में फिक्स होता था। अभी मैं आपको, चलो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पिंकी कह रही है सर हमें लगा कि आप मॉर्निंग में ले लिए होंगे हमें नोट, अरे यार नहीं, मेरे बच्चे 10 PM वाले क्लास का तो एक साथ से देखो, अगर क्लास होगी तो ठीक है, नहीं होगी ना, अगर क्लास नहीं भी होगी तो कम से कम 2 या 3 घंटे पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम में, ये मेरा टेलीग्राम है, यहाँ पर मैं आपको मैसेज कर दूंगा कि टुडे विल नॉट बी क्लास, राइट, है ना, ताकि आप अपना प्लान कर सको, ओके, ताकि आप अपने सभी रजिस्ट्रेशन को लाइक और शेयर करें, राइट, है ना। चलो ठीक है, ओके, इज इट क्लियर, तो आप ध्यान रखो। तो मैंने आपको क्या बताया मेरे प्यारे बच्चे, अगर ऐसा चीज़ हो, राइट, अगर पैटर्न की बात करोगे तो 1 2 3 4 4 और 4 times 8 और ये 9 9, राइट, ये डिजिट, इसको ध्यान रखें। हम इसी कॉन्सेप्ट को अभी हम यूज करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। अब आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पहले तो क्या था कि आपको नंबर ऑफ पेजेस दिए होते थे, पहले तो आपको नंबर ऑफ पेजेस दिए होते थे, राइट, है ना,
उसके बाद जो था आपको टोटल डिजिट्स बताना होता था, लेकिन अब क्या होगा, अब आपको टोटल डिजिट्स दिया जाएगा। जैसे देखो, जैसे देखो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, राइट है ना, आप देखो, जैसे देखो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ। मान लो मेरे प्यारे बच्चे, देखो ध्यान से, मान लो कि टोटल डिजिट्स जो हैं 342 डिजिट्स हैं, राइट, एक बुक के अंदर कुल डिजिट, कुल अंक, जो टोटल जो नंबर ऑफ जो डिजिट्स है, कुल डिजिट्स की संख्या 342 है, राइट, देन हाउ मेनी टोटल पेजेज, हाउ मेनी, राइट, हाउ मेनी, ध्यान से सुनो, हाउ मेनी टोटल पेजेज। अब देखो कैसे सॉल्व करना है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये समझो भाई, टोटल कितना दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, टोटल कितना दिया हुआ है, 342 दिया हुआ है, राइट सर, 342 बताया, राइट सर, मुझे कुछ पूछना, व्हाट आंसर बेटा, आंसर पूछ लेना, मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, पूछ लेना, ठीक है प्रवीण गुप्ता, कोई बात नहीं, राइट, टोटल कितना दिया हुआ है 342। अब आपको क्या चेक करना है, यहाँ पे देखो, इधर देखो ध्यान से देखो, 342 से नज़दीक ये है ना, 342 से मिनिमम देखना है, 342 से कम देखना है, लेस देन 342 कितना है 189, इसका मतलब 189 डिजिट्स कितना होगा, 1 से लेकर के 99 तक, राइट, इसका मतलब ये होगा मेरे प्यारे बच्चे कि 1 से लेकर के 99 पेजेज तक जो है 189 डिजिट्स का प्रयोग किया गया है, जबकि टोटल डिजिट्स कितना है 342। अब देखो मैं रफ कर रहा हूँ, 342 में से अगर आप 189 को माइनस कर दोगे तो ये आपका कितना आएगा, ये आप कितना आएगा 153, कितना आएगा 153, ये 153 डिजिट्स क्या है, ये 153 डिजिट्स जो हैं ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, बाकी बच्चे 153 डिजिट्स जो हैं 99 पेजेज के बाद, 99 पेजेज के बाद 100 पेजेज से, 100 में 3 डिजिट्स के हैं। तो अब आप ये चेक कर लो कि भाई साहब 153 पेजेज जो हैं अगर 33 डिजिट्स के 153 डिजिट्स जो बाकी बचा हुआ है टोटल जो 153 राइट अगर 153 जो डिजिट्स बचे हुए बाकी ये 3 डिजिट्स के हैं, कैसे, क्योंकि भाई 99 के बाद 100 होगा ना, तो 100 से कहाँ तक वो हमें चेक करना, नंबर ऑफ पेजेज, राइट, तो 3 से डिवाइड करोगे, 3 5 जा 15, ये 3 3 1 जा 3 कैंसिल, ये 51 पेजेज हैं। तो भाई साहब 99 पेजेज ये हो गए, 51 पेजेज ये हो गए, तो टोटल कितना हो गया 150 पेजेज होगा। अब इसका मतलब ये समझो, अब रुको थोड़ी देर ऐसे समझो, देखो इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब 150 पेजेज हैं, अगर 150 पे अगर बुक के अंदर 342 डिजिट्स का अगर यूज किया गया है, इसका मतलब टोटल पेजेज 150 पेजेज हैं। यानी तो अगर आप कहोगे कि 1 से लेकर के 150 पेजेज तक टोटल कितने डिजिट्स होंगे, अगर आप अपोजिट सॉल्व करोगे तो आपका 342 ही आएगा, क्या आएगा आपका 342 आएगा। सर समझ में आ रहा है, सर अगर ये बात समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ए टाइप करो, जिसको नहीं समझ में आ रही है वो एस टाइप करो, प्लीज कम ऑन, अगर आ रही है समझ में तो ए, अगर नहीं आ रही समझ में तो बी टाइप करो, राइट, अगर आ रही है समझ में तो ए, नहीं तो बी टाइप करो, क्लियर, फरफराना नहीं, राइट है ना, यहीं से जो है ना आप इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर लोगे, राइट, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना है कि मैं आपको किस लेवल की चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, उस लेवल की चीज़ों पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, राइट है ना, और उन चीज़ों के ऊपर अच्छे तरीके से आपको फोकस करके एक सेकंड गला जाम हो गया बहुत दिनों से, पता है आपको गला जो है ना बहुत दिनों से जाम हो गया है, आप लोगों तो कोई हेल्प तो करना नहीं है, कोई डॉक्टर है क्या जी, कोई डॉक्टर है, अगर कोई डॉक्टर है तो हेल्प करो भाई, गला जाम हो गया है कैसे सही होगा, इफ़ एनीवन इज डॉक्टर हियर, राइट देन प्लीज हेल्प मी,
एक सेकंड रुको, मैं क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन ही सर्च कर रहा हूँ सर। आई एम फाइंडिंग हेयर द क्वेश्चन फॉर यू। ओके इफ क्वेश्चन तो लग नहीं रहा दिखेगा मेरे को। लग रहा है बनाना ही पड़ेगा, राइट, लग रहा है बनाना पड़ेगा, राइट है ना, राइट सर। काढ़ा पीजिए, ठीक हो जाएगा सर, बेस्ट सॉल्यूशन काढ़ा पी लो। देखो देखो, जो आपका डिजिट्स हैं राइट, रुक जाओ राइट है ना, टोटल जो डिजिट्स है 392 है, तो बताओ कितने पेजेज होंगे। आराम से बताना, कोई फर्क, सभी लोग सेशंस को लाइक करो, शेयर करो, राइट सर, राइट, वेरी गुड नेहा, तो आपको और समझ में आएगा ना, राइट, वेरी गुड, आराम से, कम ऑन। हाँ बेटा, होल सिलेबस कवर होगा, क्यों टेंशन ले रहे हैं, राइट, आराम से फोकस करिए, लाइव क्लास अटेंड करिए, आपको सब विजिबल होगा सर, आपको सब विजिबल होगा। क्लियर, क्लियर। देखो मैं आपको समझाता हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना है, सेशंस को सभी लोग लाइक करते रहिए। कोर्स कितने मंथ्स में कंप्लीट होगा सर, एनी आइडिया? बेटा तृप्ति जोन ख़त्म, आप कहोगे तो मैं एक महीने में कर दूंगा, राइट, लेकिन डिटेल में पढ़ो ना, इतना आराम से पढ़ रही हो, समझ में, आप समझोगे तो आप समझ में आ जाएगा। देखो 1 से लेकर के 99 पेजेस तक जाओगे तो 189 डिजिट्स होंगे, राइट है ना, टोटल 399 है। अगर 399 में से 189 को अगर आप माइनस करोगे, राइट, तो ये आपका 210 पेजेस हैं, कितने होंगे, 210 डिजिट्स होंगे, बाकी आपके 100 से होंगे, 100 मतलब 3 डिजिट्स है, तो 3 से कर दो 70, हो गया 70। अब ये 70 जो है 99 में 70 को ऐड कर दो तो 169 पेजेज होंगे। अब सॉल्व करोगे 1 से लेकर के 169 पेजेज तक, तो आप वहीं में चले जाओगे, राइट है ना, ऑटोमेटिकली यू विल गो देयर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, आराम से देखो, टोटल जो आपका डिजिट्स है, आपका, मैं आपको बताता हूँ, रुको मैं आपको बताता हूँ, राइट है ना, ओके, जैसे कि हो गया, राइट, टोटल डिजिट्स जो है ना, ये आपका 300 हो गया, तो आपको नंबर ऑफ पेजेज बताना है, आराम से बताओ, आराम से क्वेश्चन स्कोर लेके चलूँगा। आराम से टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, राइट,
देखो देखो मैं आपको बताता हूँ, राइट। अब सुनो आप ध्यान से, और क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं आपको, राइट, है ना, और क्वेश्चंस दे रहा हूँ। टोटल डिजिट्स जो है बताओ बताओ आंसर, आराम से बताओ, आराम से, राइट, आराम से। देखो मे भी शायद कल आपकी क्लास ना हो, ऐसा हो सकता, राइट, लेकिन क्लास को इसी तरीके से देखो, आपका एनर्जी डाउन होता जा रहा, राइट। अगर आपका एनर्जी इस तरीके से डाउन होगा तो फिर कौन आपको पढ़ाएगा, आप ही खुद सोचो, खुद ही सोचो, राइट। क्या मैं इतना ही इसीलिए पढ़ाने आया हूँ कि आपके लिए, मैं चाहता हूँ कि आपको भला हो जाए, लेकिन आप इस एनर्जी से पढ़ने आए हो, बताओ क्या ये एनर्जी इस लेवल का होना चाहिए क्या, हैं? इतने कम बच्चे पढ़ाने पढ़ोगे क्या, हैं? इतने कम बच्चों को अगर पढ़ाना है तो फिर मैं यहीं पढ़ा रहा होता क्या, हैं? इतने कम बच्चे, राइट, इस लेवल का एनर्जी आपका होगा क्या, इस लेवल का एनर्जी फिर क्या फ़ायदा, राइट, है ना। सवा 11 बजे तक क्लास चलेगी, इसमें भी आपको कोई डाउट है, देखो भाई 300 तक है टोटल डिजिट। आपको पता है कि सर 1 से लेकर के अगर 99 पेजेज तक करूँगा तो 189 डिजिट्स होगा, राइट। अगर 300 में से 189 डिजिट्स क्या है तो 111 आएगा, 111 जो है ये 300 से होगा, यानी 3 डिजिट्स वाला होगा, तो 33 जा 921 37 जा 37, तो 99 प्लस में 37 पेजेज, टोटल कितना, 9 7 16 9 3 11 12 और 1 13, यानी कि 136 पेजेज कितना होगा, 136 पेजेज होगा फॉर द 300 डिजिट्स। क्लियर, पहला का आंसर क्लियर है, इज इट क्लियर, यस या नो, राइट, पहला का आंसर क्लियर है। अगर आप इसका चेक करोगे तो 1 से लेकर के 99 पेजेज तक कितना है, 189 डिजिट्स हैं। अगर आप 1206 में से 189 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, राइट 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 10 1017, राइट, 3 से डिवाइड करोगे, राइट, 339 339, तो 99 प्लस में 339 ऐड करेंगे, राइट, 438 पेजेज, सेकंड का 438 पेजेज होगा आंसर, राइट, ओके, क्लियर, 438 होगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। फिर से देखो, अगर आपके एग्ज़ाम में मान लो मेरे प्यारे बच्चे की टोटल जो आपका डिजिट्स है, इसको ज़रा ध्यान से समझो, राइट 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 क्लियर, आराम से रुको, राइट। मान लो 3389 है टोटल डिजिट्स, मान लो 3389 है, राइट, है ना, तो नंबर ऑफ पेजेस कितना होगा, नंबर ऑफ पेजेस कितना होगा, आराम से सोचो, आराम से, कमॉन मेरे प्यारे बच्चे, राइट। सर टेक एजिथ्रोमोसिन टैबलेट, ओके, मुझे आप प्लीज़ शेयर कर देना, राइट, व्हाट्सएप पे लिख करके शेयर कर देना, क्लियर, टेलीग्राम पे सभी लोग कनेक्टिविटी रहे, कमॉन,
कितना आया आप लोगों का आंसर, कितना आया? कितना आया? 11154। सर फोर डिजिट है ना, तो तीन से क्यों डिवाइड कर? देखो आपको मैं समझाता हूँ, एक बार मैं आपको समझाता हूँ, राइट। क्वेश्चंस को समझो, क्वेश्चंस के वर्ड को समझो भाई। टोटल डिजिट 3389, 3389 से कम, देखो 3389 से कम कौन सा है? ये वाला है, 2889 है, 2889 है। तो 1 से लेकर के 999 तक अगर होता तो इसमें 2889 डिजिट्स होगा भाई। 1 से लेकर के अगर आप सुनो ध्यान से, देखो अगर आप 1 से लेकर के 999 तक अगर आप चेक करोगे तो 2889 डिजिट्स होगा 2889 डिजिट्स, यस या नो? अगर आप 3389 में से 2889 अगर आप चला गया तो बचा कितना? 500 आपका रिमेनिंग डिजिट्स है। कितना है आपका 500 जो है आपका रिमेनिंग डिजिट्स है कितना है आपका आपका 500 जो है ये आपका रिमेनिंग डिजिट्स है, राइट। अब ये 500 रिमेनिंग डिजिट्स है तो इसका मतलब ये कितना है? ये आपका 1000 से, 1000 मतलब 4 से है, राइट। तो ये कितना होगा? 125 होगा, राइट, 125 नंबर्स। तो 999 भाई ये 4 से क्यों डिवाइड किया, ये सबको क्लियर है? 4 से हमने क्यों डिवाइड किया, ये बात क्लियर है सबको, यस या नो? प्लीज एनर्जेटिक हो जाओ, कहाँ ध्यान है आपका, राइट, वेरी जोर फोकस। गौसिया फारूकी, मुस्कान सिंह, 125%, वेरी गुड, क्लियर, यस। लिखो कमेंट सेक्शन में, वाह मजा आ गया दोस्तों, बहुत मुश्किल से मनुष्य की उम्र मिला हुआ है, राइट, मनुष्य का टाइम आपको मिला हुआ है। इस वक्त को खूब अच्छे से पढ़ाई करो, सिस्टमैटिक से पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई करते करते कहीं पढ़ाई करने वाला ना बन जाओ। इसलिए रिपीट एंड रिवीजन करो, क्या करो? रिपीट एंड रिवीजन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, रिवीजन करिए, रिपीट करिए, मेंस का क्वेश्चन पेपर लिखिए, खुद से देखने के बाद सोचिए, उसके बाद आंसर सॉल्वड आंसर से मैच कीजिए, कहीं कोई थॉट प्रोसेस आपका छूट तो नहीं गया। विद इन गिवन टाइम पीरियड में लिखने की कोशिश करिए, सोचने का फोकस करिए, ब्रेन के ऊपर फोकस करिए। जैसे कि मान लो आज आपने लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पढ़ा, मान लिया, ठीक है ना, तो उसमें आप क्या जानते हो विद इन 5 मिनट्स में एक चार्ट बना लो, 5 मिनट्स में, कि मैं ये जानता हूँ। ये आपके फोकस को बढ़ाता है, ये आपके थॉट प्रोसेस को बढ़ाता है, यही तो आपके आंसर राइटिंग के लिए आपको स्ट्रांग बनाता है, यस या नो? इसलिए NCERT सीरीज मैं लेकर के आ रहा हूँ यहाँ पे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, फरफराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 999 में 125 ऐड करोगे, राइट, 9 10 11 9 10 11 11 24 11 24 11 24, राइट। खुश रहो। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करो, CSAT बाय संजय कुमार शाह। अब देखो मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, बताओ यहाँ से किस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बताओ मेरे प्यारे, किस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किसी को कोई आइडिया है? शायद 2021 में तो नहीं पूछा गया, 22 में तो पूछा ही नहीं गया है, राइट, है ना? किस ईयर में पूछा गया मेरे प्यारे बच्चे यहाँ से क्वेश्चंस? डू यू हैव एनी आइडिया, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया है, किसी को पता है? जिसका आंसर कुछ इस तरीके से दिया हुआ था, टोटल डिजिट्स का सम, राइट, है ना? थोड़ा सा टाइम दो, किस ईयर में पूछा गया, किसी को पता है? 2019, हाँ, जिसके करीब होगा उसके, राइट, 2019 में पूछा गया है क्या? आप कह रहे हो 2019, सही से बताओ तो एक बार ज़रा, सेम इसी पैटर्न पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मेरे से थोड़ा फॉरगेट हो रहा है, स्लिप हो रहा है, राइट, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, प्रीलिम्स से बहुत पहले ही पढ़ा दिया था, राइट, ओके, बताओ मेरे प्यारे बच्चे। देखो ऐसा भी क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, इंसर्टेड आर लिस्टेड फ्रॉम 700 से 1000 के बीच में, इन हाउ मेनी इंटीजर्स इन द सम ऑफ द डिजिट्स 10, सम ऑफ द डिजिट्स 10, राइट, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह आपको पढ़ाऊंगा, राइट राइट।
वाई यू एडिंग 2889 इंस्टीट ऑफ 189 बेटा? बिकॉज वो उसके नियर था, 2020 में पूछा गया लग रहा है ना, बिकॉज ये उसके नियर था इसलिए करा रहा हूँ, राइट, बिकॉज वो उसके नियर था इसलिए, बाकी टेंशन नहीं लो, हो जाएगा, राइट, है ना। देखता हूँ इसके 53 के बाद, देखता हूँ, इधर इधर तो नहीं है क्या? यहाँ भी नहीं है, शुरुआत में है क्या? यहाँ है क्या? यार बहुत अच्छा क्वेश्चन, 2020 में ही आया था क्या? 2019 में आया था, किस ईयर में आया है? 2019 है क्या? एक सेकंड रुको, आपको देखने के बाद बहुत मज़ा आएगा। एक सेकंड रुको, थाउजेंड 19 ही हो सकता है सर, 19 ही हो सकता है सर। देखो ये भी अभी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ये भी कराऊंगा आपको, ठीक है। यार बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो, हाँ पता नहीं कहाँ चला गया, मेरे को थोड़ा ईयर थोड़ा स्लिप हो रहा है, राइट, लेकिन प्रीवियस ईयर में इस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ओके। आप लोग भी, हाँ ये लो, तुम लोग भी महाढोको लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो रखोगे नहीं साथ में, राइट, क्या तैयारी करते हो यार, मास्टर को परेशान करते हो। देखो अ प्रिंटर नंबर्ड पेजेज बुक स्टार्टिंग 1 and 3089, टोटल डिजिट्स कितने हैं? 3089 डिजिट्स हैं। देन हाउ मेनी पेजेज डज द बुक हैव, हाउ मेनी पेजेज डज द बुक हैव, रहो सोचो आप, टर्न पेजेस का कॉन्सेप्ट तो हो जाएगा, उसके लिए आपको सम ऑफ द डिजिट्स कराना है, ठीक है। देखो मैं अभी भी कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सबके पास होना चाहिए, जिसके पास नहीं है समझ लो कि आप जीवन में कुछ नहीं कर रहे हो, राइट। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है देन इट मीन्स कि यू आर डूइंग ईच एंड एवरी थिंग, राइट, ओके। सो द पॉइंट इज वट यू मस्ट हैव टू बी मोर एंड मोर फोकस इन दैट वे, ओके, क्लियर। इज इट क्लियर? क्लियर, प्लीज यू हैव टू थिंक अबाउट इट,
सोच लिया? हैव यू थॉट अबाउट सी? देखो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 3089 के नियर क्या है भाई? आपको पता है कि एक से लेकर के 999 पेजेज तक टोटल 2889 डिजिट्स होते हैं, राइट? अगर एक से लेकर के 999 पेजेज होता तो 2889 डिजिट्स तो हुए होंगे, राइट? जबकि आपके पास क्वेश्चंस में 3089 डिजिट्स दिए हुए हैं, राइट? तो अगर आप इसमें से 2889 डिजिट्स को अगर आप माइनस कर दोगे तो टोटल आपका कितना होगा? 200 डिजिट्स होगा। ये 200 डिजिट्स वो होंगे जो 1000 के बाद होंगे, यस या नो? 1000 के बाद अगर पूछे तो, इफ़ यू वांट टू नो आफ्टर 1000, इट मींस व्हाट? 1000 के बाद क्या होगा मुझे बताएं। कमॉन मेरे बच्चे, मेरे प्यारे फ्यूचर, 1000 के बाद क्या? 1000 का मतलब कितने डिजिट्स? चार डिजिट्स। 1000 का मतलब बेटा चार डिजिट्स। तो अगर तो इसका मतलब चार से अगर आप इसमें, अगर आप इसमें फोर से डिवाइड करते हो तो 54 या 200, इसका मतलब 50 नंबर्स होगा। इसका मतलब यहाँ पे 50 नंबर्स होगा, 50 × 4 तभी आएगा आपका 200, तब जा कर के ये 3089 होगा। तो इसका मतलब 50 नंबर्स कैसे आएगा? 999 प्लस में 50 अगर आप ऐड करोगे तो 1049 होगा, 1049 पेजेज, यस या नो? अगर ये बात समझ में आ रही तो कमेंट सेक्शन में ज़ोरदार तरीके से बोले अरे वाह मज़ा आ गया। आप ही बताओ, आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास मिल रही है कि नहीं मिल रही है? क्या आपको बिल्कुल बेसिक से क्लास मिल रही है? क्या आपको क्वेश्चंस को सोचने का नज़रिया चेंज हो रहा है? क्या आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये मुझे बताइए। थॉट प्रोसेस अगर आपसे मान लो थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस या नो? अगर आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है तो देखो इसी में देखो कैसे क्वेश्चन पूछ देगा, क्योंकि भाई यूपीएससी है ना, यूपीएससी तो किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछ सकती है ना आपके लिए, राइट? है ना, यूपीएससी है, यूपीएससी तो आपसे किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछ सकती है। अरे यार ये क्या हो गया, ये देखो यूपीएससी है ना, तो यूपीएससी तो आपका किसी, मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, सुनो मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया भाई साहब 51 से लेकर के 1000 तक टोटल डिजिट्स के यूनिट डिजिट बताओ। यूनिट डिजिट क्या होगा? जो टोटल डिजिट्स होगा उसका यूनिट डिजिट अगर आपसे पूछ दिया जाए 51 से लेकर के 1000 तक का जो टोटल डिजिट्स होगा, कितने टोटल डिजिट्स होंगे उसका यूनिट डिजिट अगर आपसे पूछ दे तो बताओ क्या होगा? देखो मिसिंग पेजेज उसको कहते हैं टर्न पेजेज कॉन्सेप्ट, वो मैं आपको कल करा दूंगा, आज नहीं, दैट सेशन विल बी टुमारो। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरा चाहिए, आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, CSAT SPACE BY SANJAY SPACE KUMAR और SPACE SAH। किसी को अन अकेडमी की तरफ से कोई भी कॉल आ रहा है तो प्लीज़ यूज माई रेफरल कोड SKS10, इस कोड को ही यूज करें। किसी भी कैटेगरी के लिए आपको 50% से ज़्यादा का डिस्काउंट मिलता है, एक्स्ट्रा ऑफर मिलता है, मेरे साथ तैयारी करने का मौका मिलता है, मेरे साथ हैंड होल्डिंग सपोर्ट। विश्वास कीजिए आपका प्रीलिम्स के साथ साथ आपका मेंस के रिलेटेड थॉट प्रोसेस, राइट? ऑलरेडी हमारा ये इस कोड को यूज़ करना, आपके पास मेरा पर्सनल हैंड होल्डिंग सर्टिफिकेट जूम सेशन आपका हमेशा होता है, राइट? कल भी आपका मॉर्निंग में कल भी आपका ये पर्सनल हैंड होल्डिंग सपोर्ट है एट 12 PM, राइट? क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, बहुत अच्छा फील हो रहा है आज, बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप खुद से भी कोशिश करो ना, लगता है आप खुद से भी कोशिश करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट? है ना, पता है आपको बहुत मज़ा आएगा आप खुद से भी कोशिश करोगे तो, राइट? अगर आप खुद से भी कोशिश करोगे तो आपको बहुत समझ, लेकिन आप खुद से तो करोगे नहीं, राइट? करोगे तब ना मज़ा आएगा। आदमी तो पता नहीं क्या नहीं क्या क्या करता है सीखते, लेकिन आपका नियत ही नहीं है खुद से सीखने का। सीखोगे तभी ना कुछ आगे बढ़ोगे, राइट? टीचर आपको कितना सिखाएगा, टीचर आपको खुद ही सोचो ना आपको कितना सिखाएगा,
खुद से प्रैक्टिस करोगे जितना देखोगे उतना आएगा, राइट, है ना। फिर मुझसे प्रैक्टिस करोगे, मुझसे पूछोगे, नहीं होगा तो ना, कि मैं तो हूँ ही हूँ ना मैं आपके लिए। सर मुझे ब्लैक बैग का समझ नहीं आया, कौन सा? हाँ, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो फॉलो, राइट। वाह सर, शानदार, ज़बरदस्त, जिन राइट। देखो 11:15 तक क्लास का टाइम, एनसीईआरटी मैथ्स की कब कराएगी एनसीईआरटी मैथ्स? अच्छा, मैं सोचता हूँ यहाँ पे, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे, सुनो ना, 3 डेज आपको टॉपिक करा दूँ, और 3 डेज जो है मैं आपको एनसीईआरटी करा दूँ, कैसा रहेगा आप मुझे बताइए, और 1 डेज आपका टेस्ट करा दूँ, ये आपका आप बताओ कैसा रहेगा? क्या मैं आपका 3 डेज एनसीईआरटी करा दूँ मैथ्स लेवल का, यूपीएससी लेवल का? अगर इस बात से अगर आप सहमत हैं तो आप एनसीईआरटी टाइप कीजिए, अगर नहीं सहमत है तो मुझे टॉपिक टाइप कीजिए, टीपी समझ है तो एन, नहीं तो टी रहे। एनसीईआरटी इस टाइमिंग में तो आपको एनसीईआरटी मैथ्स का ही कराऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके है टॉपिक एनसीईआरटी इस टाइम, मैथ्स की बात कर रहा हूँ, राइट। बाकी वो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी उसका अलग टाइमिंग रहेगा, राइट। बस सभी लोगों को टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है, सी सैट बाय संजय कुमार, राइट। संडे टू आप क्लास नहीं लेते हैं नॉर्मली तो 6 दिन, इस बार शायद कल संडे को क्लास शायद नहीं हो पाएगा, इस बार सोच रहा हूँ। चलो ठीक है, ओके। अब देखो होमवर्क में दे दूँ, राइट, होमवर्क में दे दूँ। चलो होमवर्क में क्वेश्चंस दे रहा हूँ, लिखो होमवर्क में क्वेश्चंस दे रहा हूँ, राइट। इधर मैं टोटल डिजिट्स दे रहा हूँ और आपको इधर पेजेज बताना है, ठीक है, क्लियर। इधर मैं आपको पेजेज दे रहा हूँ, इधर आपको टोटल डिजिट्स बताना है, ठीक है, 5 से लेकर के 95, 2 से लेकर के 1200, राइट, 1 से लेकर के 2500, राइट, 1990, 4 से लेकर के 5000, ठीक है। इसमें टोटल डिजिट्स बताओ आप, टोटल डिजिट्स को मैं बताता हूँ, मैं थोड़ा कैलकुलेटर का यूज करता हूँ। मैं तो होमवर्क लिख रहे हो ना, होमवर्क सब लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, रुको मुझे थोड़ा कैलकुलेटर का यूज करने दो। सर मैंने क्वेश्चन सेंड किया है, रुको, एक बच्चे ने क्वेश्चन सेंड किया है, कौन सा क्वेश्चन सेंड किया है? द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल अपियर, बेटा प्रवीण ये क्वेश्चंस करा दूंगा आपको, है ना, ये भी इस क्वेश्चंस की शायद कल वाली क्लास इसी पे ले लूँ, नंबर ऑफ टाइम्स, रुको मैं लिख लेता हूँ डायरी में, रुको, कल सुबह में शायद होगा तो मैं इसी के ऊपर क्लास ले लेता हूँ, रुको, मेरा डायरी कहाँ गया, यहाँ यार डायरी वायरी सब होता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है, होगा तो सर मैं नंबर ऑफ टाइम्स के ऊपर ही क्लास ले लूँगा, रुको ना कहाँ चला गया डायरी, रुको प्यारे बच्चे, रुको, कहाँ चला गया, नंबर ऑफ टाइम्स के ऊपर, रुको, 2 होगा लास्ट डिजिट का, यस, रुको, ऑफ टाइम्स, ठीक है, जिकर ऐप पे क्लास नहीं आज, आज ऐप पर क्लास नहीं, रुको मेरे क्वेश्चंस सस बनाने दोनों यार, आपको नहीं पता है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे तभी तो आपका होगा क्वालिफाई, राइट, सेवन 777 डिजिट्स, राइट,
1362 digits, right? Four 7 0 1 digits. इक्कीस हजार छः सौ तिरानवे डिजिट्स. राइट. एक सेकंड रुको. ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं. लो क्वेश्चंस दे दिया मैंने आपको. क्लियर? दे दिया सबको क्वेश्चंस? पिछला क्वेश्चन सॉल्व करना है क्या? पिछला क्वेश्चन सॉल्व करना है. क्या दिया था मैंने क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन दिया था अभी बताओ? अभी क्या क्वेश्चन दिया था? ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए. इसका सॉल्यूशन आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो. सी सैट स्पेस बाय संजय स्पेस कुमार शाह और डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए सी सैट स्पेस पोर्टल को ज्वाइन किया कि नहीं किया? सी सैट स्पेस पोर्टल जो टॉपर्स लोगों का है, राइट? इज इट क्लियर? 51 से 1000 तक का है. रुको, 51 से 1, इसको पहले नोट डाउन करो. राइट, 51 से 1000 तक का है. देखो 51 से 1000 तक का है, राइट? तो भाई आपको तो पता है, आपको तो पता है. क्या पता है? देखो बताता हूँ, सुनो. 51 से लेकर के 99, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 5 गया तो 4, 48 प्लस 1, 49 इंटू 2 करोगे तो 98 डिजिट्स हो गए, राइट? फिर आपका 100 से लेकर के 999 तक 900 इंटू 3 करोगे 2700, राइट? और ये है आपका 1000. कितना हो गया टोटल? 1 इंटू 4 डिजिट 4, राइट? तो 8 और 4 12. लास्ट यूनिट प्लेस आपका 2 होगा. हुआ? सब लोग सेशंस को लाइक करो, शेयर करो, राइट? इसको ये देखो ध्यान से, इसको स्क्रीनशॉट ले लो. ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है, यह आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है, राइट? है ना? इज इट क्लियर? इसका पीडीएफ अभी मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम में, राइट? सी सैट वाइस संजय कुमार से. बाकी मेरे प्यारे बच्चे, किसी को भी अनअकैडमी से कोई भी कॉल आए, अगर आप ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं तो यू मस्ट हैव टू बी यूज माई रेफरल कोड SKS10, राइट? मेरे रेफरल कोड SKS10 कोड के साथ ज्वाइन करें. कंप्लीट तैयारी करने का मौका मिलेगा आपको. प्री का, मेंस का, इंटरव्यू का, ऑप्शनल का कंप्लीट तैयारी आप करोगे इस कोड को यूज करके. और मेरे साथ साथ सभी एजुकेटर की क्लासेस आपको एक्सेस मिलेगा, आंसर राइटिंग सभी का, ठीक है? चलिए, सेशंस को लाइक शेयर जरूर करिए, सब कुछ शेयर करके. और किसी को कुछ पूछना है आपको? सर 1 to 99 बता दीजिए सर प्लीज़. धर्मराज 1 to 99 वाला तो मैंने आपको बता ही दिया था. सर इस टॉपिक का नियम बता दीजिए प्लीज़, प्रैक्टिस के लिए बुक में से कर लेंगे. नंबर सिस्टम तुम्हें मिलेगा ही नहीं, राइट? आपको मिलेगा ही नहीं, आपको मिलेगा ही नहीं किसी बुक में ऐसा क्वेश्चन, राइट? मैं खुद का अपना स्टडी मटेरियल अपना सब कुछ बना रखा हूँ, ठीक है? आपको मिलेगा ही नहीं, आप देख लेना. आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको बुक में मिले, एक आध क्वेश्चन दिख जाए तो दिख जाए, आपको दिखेगा ही नहीं, राइट? है ना?
आपको दिखेगा इनमें तो उससे कई गुना ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे क्लास में प्रैक्टिस इसलिए बोलता हूँ कि आप लाइव क्लास देखोगे ना तो आपको सब कुछ मिलेगा, राइट है ना। तो लाइव क्लास देखोगे, टेलीग्राम लिंक को सब ज्वाइन कर लो, अनअकैडमी के आप पे फॉलो कर लो, राइट है ना। कल भी क्लास होगी शायद संडे को हो सकता है क्लास ना हो, राइट। टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए हैं, व्हाट्सअप नंबर बता दीजिए सर विवेक जी को। व्हाट्सअप नंबर तो आसान है, टेलीग्राम में ही आपको दिख जाएगा, राइट। अगर आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लिए हो तो वहीं पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई देगा, राइट, वहीं पे आपको ज्वाइन दिख जाएगा। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, राइट। चलिए ठीक है, इज इट क्लियर। थैंक यू सो मच, सेशन को लाइक कर दीजिए। किसी को कुछ पूछना चाहिए डिजिट सर, आप ये कैप क्यों लगाते हैं? ओ माय गॉड, सरदार जी हूँ तो कैप नहीं लगाऊंगा क्या? कैप तो लगाना पड़ेगा। और किसी को कुछ पूछना नहीं ना? बाय बाय अमीषा पटेल, और कुछ? निशा कुशवाहा, रिमझिम सिंगर, एनीबडी, If anyone want to ask anything, Abhay Kumar, no, never. Thank you. EPFO का एक लेक्चर फिर से अपलोड कर दीजिए। EPFO का एक लेक्चर है तो चैनल पे, ऐसा थोड़ी है एक भी होगा, दो भी होगा, दो ही लेक्चर तो है। टेलीग्राम में देखो ना, आपको वहाँ पे सारा लिंक दिख जाएगा, राइट। टेलीग्राम में देखो, दिख जाएगा आपको, नहीं दिखेगा तो आप मुझसे पूछ लेना, राइट है ना। और किसी को? ललिता रानी, और कुछ पूछना है आपको? और सर मॉर्निंग में क्लास है? हाँ भाई है, अनअकैडमी के आप पे भी क्लास है, बिल्कुल क्लास है, बिल्कुल क्लास है।